वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं सैलरी। वेरी फर्स्ट हेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सैलरी है, और जब हम किसी हेड को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें उस हेड में बेटा कवर करनी है, दैट इज चार्जिंग सेक्शन या बेसिस ऑफ चार्ज। चार्जिंग सेक्शन या बेसिस ऑफ चार्ज का रोल होता है ये बताना कि जो हम हेड करने जा रहे हैं, इस हेड में किस इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा और क्या उसे टैक्सेबल करने के लिए कुछ कंडीशंस को भी पूरा करना पड़ेगा। तो चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 5 के 5 हेड जो हम करने वाले हैं, सभी हेड में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन। सैलरी हेड में, अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 रोल प्ले करता है चार्जिंग सेक्शन का। मतलब सेक्शन 15 हमें बताने वाला है सैलरी हेड में हम किस इनकम को टैक्सेबल करेंगे और इस इनकम को टैक्सेबल करने के लिए क्या कोई कंडीशंस भी फुलफिल करनी होंगी। चार्जिंग सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज बेसिस ऑफ चार्ज, ऑल्सो नोन एज बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब सैलरी हेड हम टैक्सेबल स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि इस हेड में किसे टैक्सेबल किया जाना चाहिए। अब इवन फॉर ए लेमैन शायद ये बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर हम सैलरी हेड कवर कर रहे हैं तो सैलरी हेड में केवल सैलरी टैक्सेबल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, सैलरी टैक्सेबल होगी, मगर उसकी कंडीशन क्या है और एक अमाउंट को सैलरी बनाने के लिए भी किन कंडीशंस को पूरा करना होता है बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल स्टार्ट होगा लाइक सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब जो एक लेमैन भी बता सकता है, बिल्कुल वही चार्जिंग सेक्शन में लिखा है दैट व्हाट इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, व्हाट इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, और दूसरा पार्ट क्या बताता है आपको, कंडीशंस। तो यहां पर बताया गया है व्हाट इज टैक्सेबल, और यहां बताया गया बेटा व्हाट आर द कंडीशंस। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टैक्सेबल, और थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज से हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, व्हाट इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, व्हाट इज टैक्सेबल, ओनली सैलरी इज टैक्सेबल। मतलब अगर कोई अमाउंट का नाम सैलरी है तो हम उसे डायरेक्टली सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, हमें यहां पर कुछ कंडीशंस को चेक करना होगा। अगर वो अमाउंट इन कंडीशंस को पूरा कर देता है तो अमाउंट को बेटा सैलरी कहा जाएगा, अदरवाइज हम उस अमाउंट को सैलरी नहीं कहेंगे फॉर इनकम टैक्स एक्ट और उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। शायद उसके साथ नाम सैलरी लिखा होगा मगर हम उसको सैलरी ट्रीट नहीं करेंगे। तो किसी भी अमाउंट को सैलरी, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने 10,000 रुपीज सोहन को दिए। अब ये मोहन कौन है, मोहन है पेयर, पेयर मतलब देने वाला, और सोहन कौन है, ये है बेटा पेई, मतलब पैसा लेने वाला। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, पेयर एंड पेई, जिसने पैसा दिया वो होगा पेयर, जिसने पैसा लिया वो होगा पेई। अगर हम इस अमाउंट को सैलरी बनाना चाहते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, ये जो पेयर है बेटा इसका स्टेटस होना चाहिए एम्प्लॉयर, और ये जो पेई है जिसने पैसा लिया है इसका स्टेटस होना चाहिए एम्प्लॉय। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो पैसा देने वाला व्यक्ति है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए और जो पैसा लेने वाला व्यक्ति है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। प्लस ये जो अमाउंट पे किया गया है, इट मस्ट हैव बीन पेड अंडर द टर्म्स ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो अमाउंट दिया गया है ये भी जो जॉब का एग्रीमेंट है, जो सर्विस का एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, मगर जो पैसा पे किया गया है वो जॉब करने के बदले दिया गया हो, ठीक है, इट शुड बी गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सारा अमाउंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को, हम शायद उसको सैलरी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, मोहन एम्प्लॉयर है, सोहन एम्प्लॉय है, ठीक है। मोहन और सोहन, सोहन इज वर्किंग विद, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय 10 AM to 5 PM एट 20,000 पर मंथ। मोहन एम्प्लॉयर है और मोहन के यहां सोहन जॉब कर रहा है, और इसके बदले सोहन को मिलता है 20,000 रुपए महीना, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की जॉब करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पैसा देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर। पैसा लेने वाला, अब यहां पर क्या होगा, ये जो सैलरी है, ठीक है, ये जो 20,000 रुपीज है, ये क्या है, सैलरी कहलाएगी नहीं? इसके लिए चेक करते हैं क्या पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। जी हाँ, पैसा देने वाला है एम्प्लॉयर और पैसा लेने वाला है बेटा एम्प्लॉय। प्लस ये जो 20,000 रुपए है, क्या ये जॉब करने के बदले, मतलब इट इज गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? आंसर इज यस। बेटा ये जो 20,000 रुपए है, इसे हम कहेंगे सैलरी, ठीक है, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। फास्ट, अब ध्यान से समझिएगा, सोहन के घर पर एक पार्टी है। सोहन कौन है? एम्प्लॉय। सोहन के घर पर एक पार्टी है, मोहन एक गिफ्ट देता है, मोहन गिफ्टेड रुपीज 5,000 ऑन बर्थडे ऑफ सोहन्स सन। सोहन के घर में एक पार्टी थी, उसके बेटे का जन्मदिन था, सोहन अपने एम्प्लॉयर को बुलाता है, तो मोहन एम्प्लॉय सोहन के घर आता है और बर्थडे पे 5,000 रुपए कैश या 5,000 रुपए का कोई भी गिफ्ट देता है, वर्थ रुपीज 5,000 रुपीज। समझिएगा, जब सोहन, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहां पर जॉब कर रहा है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, बेटा उसके बदले जो 20,000 रुपए मिलेगा वो लेना उसका हक है। अगर ये पैसा उसको नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऊपर केस कर सकता है। मगर यहां पर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के यहां पर पार्टी में जा रहा है और उसको 5,000 रुपए का गिफ्ट दे रहा है, उसके बेटे को गिफ्ट दे रहा है, समझिएगा मोहन इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग। वो चाहे तो पार्टी में जा सकता है, ठीक है, वहां से खा पी के वापस आ सकता है, ठीक है। अगर वो कोई गिफ्ट नहीं देता, सोहन दोस्तों के बीच में उसकी बुराई कर सकता है, मगर वो कोई केस फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट मोहन। वाई? बिकॉज देर इज नो टर्म, देर इज नो ऑब्लिगेशन फ्रॉम, देर इज नो ऑब्लिगेशन टूवर्ड सोहन ऑफ मोहन के वो उसके बेटे को गिफ्ट देगा। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब यहां पर ये जो 5,000 रुपए का गिफ्ट दिया गया है, क्या हम इसको सैलरी कहेंगे? देखो, देने वाला है एम्प्लॉयर, लेने वाला है एम्प्लॉय, मगर ये जो 5,000 रुपए है, दिस इज नॉट गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज नॉट गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं मिल रहा, ये एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं मिल रहा, हम इसको सैलरी हेड में कवर नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको जब हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट करेंगे, ठीक है, बट हम इसको बेटा सैलरी नहीं कहेंगे। हां, अगर इंप्लॉयर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए एनुअल डे है इंप्लॉयर के बिजनेस का और उस समय कोई गिफ्ट बांटा जाता है, तो वो पर्सनल गिफ्ट नहीं है, समझिएगा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, वो टैक्सेबल होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो पर्सनल गिफ्ट नहीं कहलाता। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो किसी भी अमाउंट को हम सैलरी तभी कह सकते हैं जब पे करने वाला एम्प्लॉयर हो, पे और लेने वाला कौन हो, एम्प्लॉय हो, प्लस अमाउंट शुड हैव बीन गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ये श्योरली आप लोगों ने सुने होंगे अमाउंट। देखिए सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर्स, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर्स, क्या हम इसको सैलरी कह सकते हैं? क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो सकता है? ध्यान से देखिए, अमाउंट जो पे किया जाता है उसके लिए वर्ड सैलरी यूज किया जाता है। ये आप आए 11th क्लास से आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, ओके, अकाउंट्स में आपके पास आता है, इसे हम सैलरी नाम देते हैं। तीन जनरली चीजें आपने देखा होगा, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को देती है सैलरी, इंटरेस्ट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये सैलरी है। क्या हम इसे इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी कह सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फॉर्म में दैट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज ऑफ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू एजेंट। यहां पर जो पार्टनर्स हैं ये फर्म के एम्प्लॉयज नहीं होते, जो पार्टनर्स है याद रखिएगा ये फर्म्स के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है हम इसे बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं होती। और इसे टैक्सेबल किया जाता है कहां पर? पीजीपी हेड में, क्योंकि पीजीपी हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28 वो स्पेसिफिकली कहता है कि पार्टनर्स को फर्म से जो भी अमाउंट मिलता है सैलरी रेम्यूनरेशन बोनस कमीशन इंटरेस्ट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड उसको हम सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हैं, ठीक है, सॉरी उसे हम पीजीपी हेड में टैक्सेबल करते हैं। तो सेक्शन 28 में हम पढ़ेंगे दैट पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी पीजीपी हेड में कवर होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सैलरी टू एमएलएस एमपीस एक्सेट्रा, आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी जो एमएलएज है, एमएलए है या बेटा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये है, इन्हें आप सिलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपके एरिया का एमएलए है, ठीक है, या एमपी है, उन्हें हमने सिलेक्ट करके भेजा है, आपने सिलेक्ट करने भेजा है, वो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में, और जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके बदले उन्हें हर महीने पैसा मिलता है जिसको सैलरी कहा जाता है। जी हां, उसको सैलरी कहा जाता है। इवन जो एलिमेंट्स होते हैं अगर कभी आप उसको ब्रेक करके देखेंगे, जो सैलरी एमएलएज एंड एमपीज को मिलती है उसमें एक एक वर्ड वही होता है जो जनरली एक एम्प्लॉय को मिलती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो जो आपको मिलता है ऑलमोस्ट वही उसी तरीके से, मतलब बेसिक सैलरी डीए आपको वहां पर मिलेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन या एचआरए आपको मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब जो सैलरी के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ऑलमोस्ट कवर होते हैं जब एमएलएज या एमपीज की सैलरी होती है। मगर यहां पर जो सैलरी देने वाली है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट एमपीज के केस में, ठीक है, एमएलएज के केस में, और पैसा लेने वाले कौन है? एमएलएज या एमपीज। क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है गवर्नमेंट और एमएलएज एंड एमपीज के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का? आंसर इज नो। यहां पर एम्प्लॉयर ने किसी भी, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नौकरी पर नहीं रखा है, समझिएगा, यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके कहने से काम नहीं करते एमएलएज एमपीज, एमएलएज एंड एमपीज की अपनी ड्यूटीज होती है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली में करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीज है, ठीक है, बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया they are representative people of India, ठीक है, they are not employed to the, of the state government or central government। तो बेटा ये जो salary to MLAs and MPs होती है हम इसे salary head में taxable नहीं कर सकते because relationship of employer and employee is not created, इसे taxable किया जाता है under the head income from other sources, ठीक है, income from other sources, तो ये बहुत ध्यान से आप कीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सेबल? सैलरी इज टैक्सेबल। तो किसी अमाउंट को सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल करेंगे अगर हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अदरवाइज हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा, अब सेकंड पार्ट क्या था? व्हाट आर द कंडीशन? हम सैलरी हेड में सैलरी को टैक्सेबल करेंगे, ट्रू, मगर उसे टैक्सेबल करने के लिए बेटा कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। क्या है कंडीशंस? देखिए, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब ये ड्यू का मतलब क्या होता है, पेड का क्या मतलब होता है, चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल देकर। देखो हमारे दोस्त चंपकलाल, ये चंपकलाल जी आते रहेंगे बार बार, ठीक है, हमारे मित्र हैं चंपकलाल, इन्होंने एक नई जॉब ज्वाइन की है, पहली बार जॉब करने गए थे,
ठीक है, न्यूली क्वालिफाइड हुए, डिग्री मिल गई, एक न्यू जॉब ज्वाइन की है और जॉब ज्वाइन की है उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, ठीक है, तो उन्होंने 1 सितंबर को जॉब ज्वाइन की है और इनकी जो सैलरी फिक्स की है एम्प्लॉयर ने ये है 60,000 पर मंथ, संडेज ऑफ होता है, ठीक है, संडे का ऑफ होता है, तो 50,000-60,000 पे पर मंथ ये रहते हैं, ठीक है जी, ओके, चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सैलरी रख देते हैं 50,000 पर मंथ और 5 हॉलीडेज मिलते हैं, 5 हॉलीडेज मिलते हैं, ठीक है, 5 हॉलीडेज मत इंक्लूडिंग संडेज, मतलब 25 दिन जॉब करनी है, 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अब चंपकलाल बहुत खुश हुआ, टाई लगाई, कोट पहना, सूट पर, ठीक है, जेल वगैरह लगाया, सेटिंग की है, घड़ी पहनी है, बैग लिए और फटाफट फर्स्ट डे ऑफिस में जा रहे हैं और सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंच गए, ठीक है, जो रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे ऑफिस में पहुंच गए, काम करना शुरू किया, बहुत खुशी थी अंदर से, क्यों भाई, पहला दिन है सैलरी मिलेगी। जी हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, चंपकलाल के दिमाग में क्या चल रहा है, पहला दिन है, शाम को मुझे सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से मैं घर पर अपने फैमिली के लिए कुछ मिठाई लेके जाऊंगा, गिफ्ट्स लेके जाऊंगा, सारे बहुत खुश होंगे, ठीक है। चंपकलाल पूरी तन्मयता से, पूरी एनर्जी के साथ पूरे दिन काम करता है और शाम को जब घंटी बजने वाली होती है कि ऑफिस खत्म होने वाला है, उससे पहले चंपकलाल पहुंच जाते हैं कहां पर, हमारे कैशियर साहब के पास, ठीक है, ये हमारे कैशियर साहब है, ठीक है, कैशियर के पास पहुंच गए और कैशियर के पास जाके कहते हैं, देखो कैशियर साहब, फटाफट मेरी सैलरी दे दो। अब कैशियर कहते हैं, सैलरी, कहते हैं जरा अपना बताओ कब से ज्वाइन किया है, तो चंपकलाल कहते हैं आज सुबह ही मैंने ज्वाइन किया, ये देखो ये मेरा लेटर, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, देखो आज मैंने सुबह ही सैलरी जॉब ज्वाइन किया। तो फटाफट वो कैशियर को समझा रहे हैं, देखो कैशियर साहब, मेरी सैलरी है 50,000 रुपए और मुझे 25 दिन काम करना है, तो इस हिसाब से मेरी एक दिन की सैलरी बैठती है 2,000, तो देखो आज का मैंने काम कर दिया, फटाफट 2,000 रुपए दे दो, उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, सभी फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट लेना है, मिठाई लेनी है, फटाफट प्लीज दे दो। अब बहुत ज्यादा यहां पर एक्साइटेड है चंपकलाल के 2,000 रुपए मिलने वाला है। अब कैशियर बेचारा परेशान, कहता है यार ये क्वालिफाई होकर आया है यार, इसको तो कुछ समझ नहीं है। अब कैशियर चंपकलाल को समझा रहा है और आप भी समझिएगा, इसी के बीच में हमारा बेटा ड्यू ऑन पेड का कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब कैशियर कहता है भाई एक काम करो, जरा अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ। अब अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, अब अपॉइंटमेंट जब लेटर पढ़ाया जाता है तो बेटा अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है, देखो अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब कैशियर चंपकलाल को पढ़ के बता रहे, देखो भाई साफ साफ तो लिखा हुआ है सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के आखिर में आपकी सैलरी ड्यू होगी। अब चंपकलाल परेशान हो गया, अब उसके बारे से परेशान होने की सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आ गया चेहरे पे, कहता है भाई साहब ड्यू तो हो गई, मैंने पूरे सुबह से लेकर शाम तक आज काम किया है, मैंने पैसा कमा लिया। कैशियर कहते हैं बिल्कुल आपने पैसा कमाया, यू हैव अर्न सैलरी ऑफ डे वन, आपने एक दिन की सैलरी कमा ली है, आपकी एक दिन की सैलरी एक्रू हो चुकी है मगर ड्यू नहीं हुई है। ड्यू का मतलब है अभी आपके पास सैलरी मांगने का अधिकार नहीं आया है, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब सैलरी ड्यू होगी, मतलब आपके पास सैलरी मांगने का अधिकार कब आएगा, महीने के आखिरी दिन पर। आप रोज काम करो, आप जितना काम करोगे उतने पीरियड की सैलरी आपकी एक्रू हो जाएगी, आपकी अर्निंग हो गई, मगर अभी आप उसको मांग नहीं सकते क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल, जो सैलरी होती है वो ड्यू बेसिस पर बेटा आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब चंपकलाल को तो समझ आ गया, क्या आपको समझ आया यहां पर, कि यहां पर डेली जब चंपकलाल जॉब पर जा रहा है, मतलब डे वन देखो बेटा खत्म हो गया, 1 सितंबर पूरा चला गया सुबह से शाम तक, तो एक दिन की सैलरी एक्रू हो गई, एक दिन की सैलरी अराइज हो गई, एक दिन की सैलरी अर्न हो गई, मगर अभी तक चंपकलाल के पास सैलरी मांगने का अधिकार नहीं आएगा। यहां पर ड्यू का मतलब है जब सैलरी
मांगने का अधिकार आ जाएगा। तो डेली बेसिस पर जो काम किया जा रहा है ये सिर्फ सैलरी हेड में यूजफुल होता है ड्यू एंड पे, ठीक है, बाकी जगह एक्रुअलाइज अर्निंग होता है। ये एक्रुअलाइज आप पढ़कर आए हैं, ठीक है, वहां पर ड्यू का भी एक मीनिंग होता था बट यहां पर ड्यू बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो बेटा डेली बेसिस पर जब चंपक लाल काम करेगा उसकी सैलरी क्या हो रही है, उसकी सैलरी अर्न हो रही है, ही इज अर्निंग सैलरी, His salary is accrued, arise, उसकी सैलरी क्रिएट हो गई है, उग गई है, मतलब उसके पास सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी लेने का अधिकार उसके पास है बट अभी मांग नहीं सकता, मतलब उसकी इनकम क्रिएट हो गई है बट अभी ही कैन नॉट आस्क फॉर द इनकम, ठीक है, इनकम उसकी क्रिएट हो चुकी है बट ही कैन नॉट आस्क फॉर द इनकम। जब उसके पास सैलरी मांगने का अधिकार आ जाएगा उसे कहेंगे ड्यू। तो बेटा याद रखिएगा सैलरी महीने में एक ही बार ड्यू होती है, जितने दिन काम करोगे उतनी बार आपकी सैलरी अर्न होगी, एक दिन काम के एक दिन की सैलरी अर्न हो गई, दो दिन काम के दो दिन की सैलरी अर्न हो गई बट यू कैन नॉट आस्क। तो सैलरी ऑन अरेगुलर बेसिस अर्न होती है, सैलरी रेगुलर बेसिस पर एक्रू होती है, राइज होती है, मगर ड्यू जनरली कब होती है, महीने के आखिरी दिन पर या अगले महीने के पहले दिन पर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम यहां पर ले रहे महीने के आखिरी दिन, चलो ओके। तो इसका मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक डेली बेसिस पर जो सैलरी कमाई जाएगी उसको कहा जाएगा दैट चंपक लाल ने सैलरी अर्न की है, ड्यू नहीं हुई। ड्यू कब होगी बेटा, 30 सितंबर महीने के आखिर में। चलो अब बेचारे चंपक लाल ने घर जाके सबको समझाया कि नहीं जी सैलरी तो महीने के आखिर में मिलती है तो गिफ्ट और मिठाई तभी मिलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, आज वैसे ही अपने पैसों से पार्टी करते हैं, गुल्लक से निकाल के पार्टी कराऊंगा मगर सैलरी वाली पार्टी महीने के एंड में करेंगे। चलो अब महीने का एंड भी हो गया, अब महीने के एंड में चंपकलाल फिर भागता हुआ आता है कैशियर के पास, 30 सितंबर को घंटी बजने वाली थी उससे 5 मिनट पहले कैशियर के पास पहुंच के खड़ा हो गया, ठीक है, अब मुस्कुरा रहे कहते हैं और कैशियर साहब आज तो 30 तारीख है, अब तो मेरे पास सैलरी मांगने का अधिकार है, लाओ सैलरी दो, लाओ फटाफट सैलरी दो। अब कैशियर भी मुस्कुरा रहा है, कहते भाई अपॉइंटमेंट लेटर जरा एक बार दोबारा निकालो। अब चंपकलाल कैशियर को अपॉइंटमेंट लेटर निकाल के दिखाता है, अब उस पर क्या लिखा होता है अपॉइंटमेंट लेटर पे, सैलरी is payable on 7th day of next month, मतलब 30 तारीख को सैलरी ड्यू हो जाएगी, महीने के आखिरी दिन सैलरी ड्यू हो जाएगी। आप सैलरी मांग तो सकते हैं मगर हम देंगे नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है सैलरी इज पेबल ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब भाई साहब 30 तारीख को आपके पास सैलरी मांगने का अधिकार आ गया, आप मांगो, खड़े हो जाओ मेरे सामने। अब कैशियर समझा रहे चंपकलाल को, आप मेरे से सैलरी मांगो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं सैलरी दूंगा, मैं सैलरी दूंगा, आपका अधिकार है, मगर एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है मैं सैलरी कब दूंगा, अगले महीने की 7 तारीख। अब बेचारा चंपकलाल दोबारा यहां पर बहुत चक्का हो गया क्योंकि उसने कंडीशन पढ़ी नहीं थी, और भाई साहब डिग्री तो लिया मगर सारा नकल मार के पास हुआ था, वहां तो उसने पढ़ा नहीं ड्यू और पेट का क्या होता है। तो इसलिए आपको कह रहा हूं ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि आपका मजाक ना बन जाए कैशियर के सामने। चलिए जोक्स अपार्ट, एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना यहां पर, देखो अकाउंट्स में ये वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं मगर सैलरी हेड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी के बाद हम ये दोबारा यूज नहीं करेंगे क्योंकि सभी हेड का डिफरेंट हमारा बेस होता है टैक्स, इनकम को टैक्स करने का। सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड व्हिच एवर इज अर्लियर, अब जरा मेरी ध्यान से बात सुनेगा बेटा, जब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक डेली बेसिस पर जब हमारा चंपकलाल जॉब कर रहा था तो ही वाज अर्निंग द इनकम, वो इनकम अर्न कर रहा था, तो इसको कहेंगे इनकम एक्रूड, ठीक है। 30 सितंबर पर बेटा यहां पर सैलरी क्या हो गई, ड्यू, मतलब सैलरी मांगने का अधिकार आ गया, मगर सैलरी मिलेगी कब, सैलरी पे कब होगी एक्चुअल में, सैलरी इज पेड टू द चंपकलाल ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 7th अक्टूबर। तो इसका मतलब ये जो अब हमारे पास पीरियड रह गया है बेटा, ये जो पीरियड हमारे पास रह गया है, इस पीरियड में जो सैलरी है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज सैलरी की जो टैक्सेबिलिटी है वो एक्रूअल बेसिस पर नहीं है, सैलरी की टैक्सेबिलिटी आउटस्टैंडिंग बेसिस पर नहीं है, सैलरी की टैक्सेबिलिटी है ड्यू और पेड, ठीक है। तो जब आप जॉब कर रहे हैं उस डेली बेसिस पर सैलरी क्या हो रही है, एक्रू, जब महीना खत्म हो जाता है तो सैलरी होती है ड्यू, और जब एक्चुअल में मिल जाती है उसे कहते हैं पेड, तो ड्यू और पेड का जो पीरियड डिफरेंस होता है वो होती है आउटस्टैंडिंग। तो मुझे एक्रूअल बेसिस नहीं चाहिए, मुझे आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए, हमें सैलरी टैक्सेबल करनी है ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। अब इस एग्जाम्पल में पहले तो मुझे बताओ कि ड्यू पहले हो रहा है पेड क्यों हो रहा है, जी हाँ पहले ड्यू हो रहा है, तो सैलरी टैक्सेबल ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर।
वापस आते हैं चंपक लाल पे, फिर आगे बढ़ेंगे तो फाइनली अगले महीने की 7 तारीख मतलब 7 अक्टूबर को बाकी लोगों के साथ चंपक लाल भी लाइन में लगा हुआ है और उसको अपना कैश या चेक व्हाटएवर मिल जाता है या उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, फाइनली मंथ इज ओवर। समझ रहे हैं बेटा? इसलिए होता है, अगर आपने कभी देखा हो जनरली मूवीज वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है, पुरानी मूवीज में होता था, नई में तो अब ये चीजें नहीं आती है क्या, कि किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को महीने के बीच में निकाल दिया और कहता है जाकर महीने एंड में अपना हिसाब कर लेना। व्हाई? क्योंकि जो सैलरी ड्यू होती है वो महीने के आखिर में होती है। तो अगर 15 दिन काम किया है, 15 दिन की सैलरी आप कमा चुके हैं, मगर ड्यू कब होगी? महीने के आखिर में। और जनरली जो मिलती है, प्राइवेट सेक्टर की बात करो, ठीक है, तो एक टाइम गैप होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे सैलरी 1-2 दिन पहले, मतलब अगर 30 का महीना है तो 28-29 तारीख को ही इंप्लॉय के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो ये सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी ये करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली सैलरी अगले महीने की 10 तारीख 15-15 तारीख तक उनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। जो बीपीओज होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, इसमें सैलरी अगले महीने की 10-10-15-15 तारीख तक जो इंप्लॉय होता है उसके खाते में जाती है, ठीक है जी। However, अब हम वापस आते हैं, क्लियर है ड्यू का मतलब क्या, पेड का मतलब क्या? तो बेटा सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये तो था थियोरेटिकल कंसेप्ट, अब प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे करेंगे अगर एग्जाम में ड्यू और पेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो ये नोट्स में मैंने सारा दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इफ सैलरी is due on last day of same month, यहां पर सेम मंथ का मतलब है जिस महीने एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो अगर सैलरी महीने के आखिरी दिन पर ड्यू हो जाती है तो बेटा हम हमेशा सैलरी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च की सैलरी टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। दूसरा, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर अगले महीने की बेटा पहली तारीख पर सैलरी ड्यू होती है, ठीक है, तो जनरली हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मार्च टू फरवरी। ऐसे क्यों है ये सारा मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, और क्या इससे कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता ये भी मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। ये आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है, अब इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो मान लीजिए सैलरी का अमाउंट है 10,000 per month, ठीक है। अब केस वन लेते हैं, केस वन, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, सैलरी महीने के आखिर में ड्यू होती है। तो मैंने क्या बताया था, जब सैलरी महीने के आखिर में ड्यू होती है, सैलरी हमेशा कैलकुलेट करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक की, ठीक है। तो आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है अप्रैल से लेकर मार्च। अब अप्रैल से मार्च कितने होंगे, 12 महीने, हमारे प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल कितने होते बेटा, 12 महीने। तो यहां पर एक महीने की सैलरी है 10,000 रुपए और अप्रैल से मार्च का पीरियड है 12, तो ये हो गई 1,20,000, ठीक है। और अगर मैं केस टू यहां पर लेता हूं आपके साथ, केस टू मैं आपके साथ लेता हूं, केस टू में हम करते हैं सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी ड्यू होती है। तो मैंने क्या बताया था, जब सैलरी अगले महीने की पहली डेट पर ड्यू होती है तो हम सैलरी हमेशा जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बेटा मार्च से लेकर, मतलब पिछले साल के मार्च से लेकर करंट ईयर के फरवरी तक। तो पिछले साल का मार्च हमारी कैलकुलेशन में आ जाता है और जो करंट ईयर का मार्च है वो हमारी कैलकुलेशन से बाहर हो जाता है। कितना होगा पहले तो ये देखो, एक महीने की सैलरी है 10,000 मल्टीप्लाई 12, ये होगा 1,20,000। अगर आप फाइनल अमाउंट देखेंगे, अगर आप बेटा फाइनल अमाउंट देखेंगे तो आपको कोई खास यहां फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन बोथ द कैलकुलेशन मेरा अमाउंट आ रहा है 1,20,000। तो आप कहेंगे सर 1,20,000 आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है ड्यू और पेड का? बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम
कुछ कंक्लूजन क्रिएट करेंगे। देखिए, सैलरी 10,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st September, increased by 2000 rupees. सैलरी का जो स्टार्टिंग अमाउंट है इस साल में वो है 10,000 रुपए, मगर 1 September मतलब साल के मिड में आकर सैलरी 2000 रुपए से बढ़ गई। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं क्या होगा। इन बोथ द केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। केस वन, ड्यू इन सेम मंथ, मतलब सेम मंथ की आखिरी डेट पर ड्यू हो गई, बताइए क्या होगा। सेम मंथ, जब बेटा सेम मंथ मंथ ड्यू होती है तो हमारी कैलकुलेशन होती है अप्रैल से लेकर और मार्च तक। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अब हमारी सैलरी अप्रैल से लेकर मार्च तक हो रही है और 1 September को हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो सेप्टेंबर ऑनवर्ड सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ और सेप्टेंबर से पहले की सैलरी होगी 10,000 रुपए पर मंथ। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अप्रैल से शुरू करते हैं, तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जो सैलरी होगी वो होगी 10,000 पर मंथ 5 महीने के लिए। और फिर उसके बाद सितंबर, तो सितंबर से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे, मार्च तक, क्योंकि कैलकुलेशन खत्म कहां पर हो रही है, मार्च पर। ये देखो, ठीक है, मार्च पर। तो सितंबर से मार्च मतलब कितने महीने, 7 महीने की सैलरी होगी 12,000 रुपए, क्योंकि बढ़ चुकी है। तो पहले 5 महीने की सैलरी 10,000 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपीज और यहां पर हो जाएगी 84,000। तो अगर हम टोटल करते हैं तो इट कम्स आउट 1,34,000, ठीक है, 1,34,000 रुपए। क्लियर है यहां पर? अब दूसरा एग्जांपल देखो, अब केस को चेंज कर देते हैं। केस टू, ड्यू इन नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की पहली तारीख पर ड्यू हो रही है। जब सैलरी अगले महीने ड्यू होती है तो हमारी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन होगी मार्च से शुरू और खत्म कब होगी, फरवरी पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मार्च से शुरू करो और सैलरी में इंक्रीमेंट कब हो रहा है बेटा, सितंबर, तो सितंबर से पहले क्या हुआ, अगस्त। तो मार्च से लेकर अगस्त तक की जो सैलरी होगी वो होगी 10,000 रुपए महीना, एंड सितंबर से रिज्यूम करेंगे, मगर अब हम मार्च तक नहीं जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन कहां रुक जाएगी, हमारी कैलकुलेशन रुक जाएगी फरवरी तक। तो सितंबर से फरवरी तक की जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 रुपए महीना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने की सैलरी 60,000 और इन 6 महीने की सैलरी बचे हुए होगी बेटा 72,000 और टोटल हमारे पास आएगा 1,32,000। अब ध्यान से आप देखिए, हमारी कैलकुलेशन में चेंज आ चुका है। जब सैलरी सेम मंथ ड्यू हो रही है तो अमाउंट आ रहा है 1,34,000, बट सैलरी जब नेक्स्ट मंथ ड्यू हो रही है तो अमाउंट आ रहा है बेटा 1,32,000। वाई, क्यों हो रहा है ये? जब हमारी सैलरी अगले महीने ड्यू होती है तो बेटा सैलरी की जो टैक्सेबिलिटी है वो 1 महीने क्या हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 महीने पोस्टपोन हो जाती है। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अपने कानून है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये लॉ है, ये भी तो इसके अपने हमारे पास सेक्शन से किस तरीके से अमाउंट आपको निकालना है, जो आपके अकाउंटिंग कैलकुलेशन से बिल्कुल अलग होगा। सैलरी में कहता है सैलरी टैक्सेबल होगी जिस दिन सैलरी ड्यू हो रही है, जिस दिन पे हो रही है, ठीक है। अगर सैलरी अगले महीने ड्यू हो रही है, और तो जनरली मिलेगी भी उसी के बाद या सेम डे, ठीक है, अगर अगले महीने ड्यू हो रही है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने अप्रैल में काम किया और सैलरी मई मंथ में ड्यू हो रही है तो बेटा सैलरी अप्रैल की अप्रैल में टैक्सेबल नहीं होगी, वो कब होगी, मई में टैक्सेबल होगी। और हमें अंडर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, कॉपी करना चाहते कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर समझना जरूर। मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्यों, जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट नहीं समझना चाहते तो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट इसको प्लीज समझिएगा ध्यान से। देखो बेटा होगा क्या, हमारा जो करंट ईयर का अप्रैल है, देखो जब सेम मंडी हो रही है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है जब नेक्स्ट मंडी होती है, जो अप्रैल की सैलरी है ये ड्यू हो रही है ड्यू इन मई,
मतलब काम किया अप्रैल मंथ में मगर सैलरी मांगने का अधिकार अप्रैल में नहीं मिल रहा, 1 मई को मिल रहा है, 1 मई को मिल रहा है। तो मुझे बताओ ये जो टैक्सेबल होगी सैलरी, टैक्सेबल कब होगी? ये सैलरी टैक्सेबल होगी इन मई मंथ में टैक्सेबल होगी बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही जो मई की सैलरी है ये कब ड्यू होगी? ये ड्यू होगी इन जून, तो फिर टैक्सेबल भी कब होगी? जून। ऐसे ही जो जून की सैलरी है ये ड्यू कब होगी? जुलाई, तो टैक्सेबल भी कब होगी? जुलाई, एंड सो ऑन। तो जो हमारा जनवरी आएगा, जनवरी की सैलरी ड्यू कब होगी? फरवरी में, तो टैक्सेबल कब होगी? फरवरी में, ठीक है। जो फरवरी की सैलरी होगी ये ड्यू कब होगी? मार्च में, टैक्सेबल कब होगी? मार्च में। अब ऐसे ही जो हमारा मार्च है करंट ईयर का बेटा, इसकी जो सैलरी ड्यू होगी ये कब होगी? अप्रैल, और टैक्सेबल भी कब होगी? अप्रैल। मगर बेटा ये जो अप्रैल में अगर टैक्सेबल होगी, समझना, हमारा प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो आपने काम तो किया है करंट ईयर में मार्च का, मगर इसकी सैलरी ड्यू कब हो रही है? अगले साल के अप्रैल में। तो इसका मतलब जो करंट ईयर के मार्च की सैलरी है उस कि जो टैक्सेबिलिटी है वो इस साल टैक्सेबल नहीं होगा, वो अगले साल होगा। तो आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो क्या हो गई? 1 महीना पोस्टपोन्ड हो गई, 1 महीना पोस्टपोन्ड हो गई, ठीक है। इसका मतलब हमें तो ये देखना है पैसा कब कमाया, ये मैटर नहीं करता सैलरी में, सैलरी में मैटर करता है पैसा कब टैक्सेबल हो रहा है। बिकॉज मैंने कहा था ना, एक्रू या अर्निंग चेक नहीं करना बेटा, ड्यू चेक करना है, पेड चेक करना है। तो आपने मार्च की सैलरी मार्च में कमाई है मगर मांगने का अधिकार कब हो रहा है? अप्रैल। तो वो टैक्सेबल कब होगी? अप्रैल मंथ में होगी, क्योंकि करंट ईयर का मार्च अगले साल अप्रैल में चला गया। इसी तरीके से बेटा जो लास्ट ईयर का मार्च होगा, समझना ध्यान से, जो लास्ट ईयर का मार्च होगा, पुराने लास्ट प्रीवियस ईयर का मार्च होगा, उसकी सैलरी होगी हमारे करंट ईयर के अप्रैल में। कब ड्यू होगी? करंट ईयर के अप्रैल में बेटा ड्यू होगी। तो वो टैक्सेबल कब होगी? करंट ईयर के अप्रैल में। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब सैलरी नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है तो हमारी कैलकुलेशन अप्रैल से मार्च नहीं होती, हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है मार्च से लेकर फरवरी, वाई, क्योंकि जो पुराने ईयर का मार्च है वो करंट ईयर के अप्रैल में टैक्सेबल होगा, और जो करंट ईयर का मार्च है वो अगले साल के अप्रैल में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना है, अगर सैलरी ड्यू सेम मंथ होती है तो अप्रैल से मार्च की सैलरी कैलकुलेट करनी है, ड्यू अगले महीने होती है तो आपको कैलकुलेट करनी है बेटा मार्च से लेकर फरवरी की। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट आप अप्रैल से मार्च की करेंगे। 10 में से किसी एक क्वेश्चन में आपके पास ये पॉइंट आएगा जहां पर एग्जामिनर कहेगा ड्यू इन नेक्स्ट मंथ, और वो भी तभी यूजफुल होगा अगर सैलरी में कोई चेंज हो रहा है। देखो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, अगर सैलरी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, देखो 10,000 पर महीना सैलरी थी, ये लास्ट शीट पर हूं मैं, 10,000 पर महीना जब सैलरी थी तो चाहे ड्यू सेम मंथ हो या ड्यू नेक्स्ट मंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पूरा सेम अमाउंट आ रहा था, ठीक है। तो ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट कब यूजफुल होता है? जब सैलरी अगले महीने ड्यू हो रही हो प्लस सैलरी में कोई चेंज है। तो अगर सैलरी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो ड्यू और पेड कभी भी हो, आपको 12 महीने की सैलरी निकालनी है। अगर भाई सैलरी 10,000 पर महीना है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई भी 12 महीने ले लो, उसमें अमाउंट 1,20,000 ही आने वाला है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, दो और सिचुएशन में हमारे पास सैलरी में चेंज आ सकता है जहां पर इंक्रीमेंट नहीं है। एक होता है जब आप जॉब को क्विट कर देते हैं या रिटायर होते हैं, या फिर जब आपकी न्यूली अपॉइंटमेंट होता है। जरा ध्यान से अब देखिएगा, यहां पर सैलरी $10,000 पर मंथ, जॉब ज्वाइन ऑन 1st September, ठीक है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करें, फाइनेंशियल के हिसाब से, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीने जा चुके हैं, 1 सितंबर से इंप्लॉई ने जॉब ज्वाइन किया है जिसका अमाउंट है 10,000 रुपए पर मंथ। अब अगर यहां पर लिखा है ड्यू इन सेम मंथ, तो जब ड्यू इन सेम मंथ होती है तो सैलरी कैलकुलेट करते हैं हम अप्रैल से लेकर मार्च, ठीक है। अब देखो सैलरी में कोई चेंज नहीं है फिर भी यहां पर कैलकुलेशन अलग होगी। जॉब ज्वाइन की 1 सितंबर, तो अप्रैल से शुरू करनी थी मगर जब जॉब सितंबर से शुरू की है तो हम सितंबर से शुरू करेंगे कैलकुलेशन, और खत्म कब करेंगे? मार्च। तो
तो यहां पर सितंबर टू मार्च 10,000 के हिसाब से सितंबर टू मार्च होंगे बेटा 7 मंथ्स, अमाउंट आएगा 70,000। और यहां पर अगर आपसे कहा जाता है ड्यू इन नेक्स्ट मंथ, ड्यू इन नेक्स्ट मंथ, तो हमें पता है जब ड्यू नेक्स्ट मंथ होती है तो सैलरी की कैलकुलेशन शुरू होती है मार्च से और खत्म होती है फरवरी पर। तो अब यहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो सितंबर से करेंगे क्योंकि उससे पहले तो जॉब ही नहीं थी, मगर अब हम अप्रैल सॉरी मार्च पर नहीं हम खत्म कर देंगे फरवरी। वाई? क्योंकि जो करंट ईयर का मार्च है वो अगले साल अप्रैल में टैक्सेबल होगा। नाउ इन दिस सिचुएशन अमाउंट तो 10,000 पर मंथ है, मगर सितंबर से फरवरी का पीरियड 6 महीने का होगा, ये होगा 60। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पर सैलरी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, सैलरी 10,000 पर मंथ है फिर भी अमाउंट चेंज आ रहा है। वाई? क्योंकि यहां पर जॉब मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन की गई है, पहले केस में 7 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो रही है, अगले महीने अगले केस में 6 मंथ की सैलरी हो रही है, तो एक महीने की सैलरी 10,000 पे नहीं टैक्सेबल हुई, क्या हो गई, वो पोस्टपोन हो गई, जो मैं आपको समझा रहा था। ऐसे होगा जब रिटायरमेंट की सिचुएशन होती है, ठीक है, वहां पर क्लियर है बेटा। तो ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट तभी हम यूज करेंगे, ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट हम तभी यूज करेंगे अगर एग्जामिनर आपसे ड्यू एंड पेड के बारे में पूछता है। अगर एग्जामिनर ड्यू एंड पेड के बारे में कुछ नहीं कहता तो बाय डिफॉल्ट अप्रैल से लेकर मार्च की सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा बेटा चार्जिंग सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमें बताता है तीन चीजों, क्या कि व्हाट इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, और सैलरी को टैक्सेबल करने के लिए अमाउंट का सैलरी होना बहुत जरूरी है, मतलब पेयर एम्प्लॉयर और पे एम्प्लॉय होना चाहिए, एन अमाउंट विच इज पेड शुड हैव बीन गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड नंबर टू सैलरी टैक्सेबल ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू और पेड, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीन एलिमेंट्स और होते हैं, बोनस, एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।